पूरी पराठा हो या हो चावल या चपाती, सभी खाने का स्वाद बढ़ाता है अचार, जो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से बनता आ रहा है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का भरवा अचार, जो खाने का जायका बढ़ाएगा। यह मैंने अपनी स्कूल फ्रेंड ममता गुप्ता से सीखी है। ममता गुप्ता के फेसबुक पेज डेजर्ट एंड स्पाइस बाय ममता का पेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप उनके फेसबुक पेज को चेक कर सकते हैं। लाल मिर्च का बड़वा अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम अचार वाली मोटी लाल मिर्च ली है। मिर्च को पानी से ना धोएं। मिर्च को पानी से धोने से मिर्च के डंठल से पानी मिर्च के अंदर चला जाएगा, जिससे आपका अचार ख़राब हो सकता है। मिर्च को गीले कपड़े से पोंछें। गीले कपड़े से पोंछकर मिर्च को पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए या फिर धूप में आधे घंटे के लिए रख दें। धूप में आधा घंटा रखने के बाद अभी मिर्च को सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे मिर्च के ऊपर नमी की मात्रा ज़रा से भी नहीं बचेगी। अब हम मिर्च को अचार के लिए तैयार कर लेंगे। मिर्च के डंठल वाले हिस्से को नाइफ से कट करें। अब एक छोटा स्पून लें। स्पून के पीछे वाले हिस्से से मिर्च के बीच में डालकर इसके सारे सीड्स को निकाल दें। मिर्च के सारे सीड्स और बीच वाले पार्ट को एक बाउल में रखते जाएं। मिर्च के सीड्स को हम बाद में अचार के मसाले में यूज करेंगे। मिर्च के सीड्स और बीच वाले पार्ट को मैंने स्पून के पीछे वाले हिस्से से निकाला है। इसे आप चाहें तो सावधानी से नाइफ से भी निकाल सकते हैं। एक एक करके सारे मिर्च के डंठल वाले हिस्से को कट करते जाएं और मिर्च के बीच में सीड्स को निकालकर बाउल में रखते जाएं। सारे मिर्च के सीड्स निकालकर मिर्च को साइड रखें, साथ ही साथ सीड्स को भी साइड रखें। अभी हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मिर्च को अभी हमें धूप में नहीं रखना है। मिर्च के अचार के मसाला के लिए सबसे पहले लो फ्लेम गैस पे एक पैन को गर्म करें। अब इसमें 1 कप या 150 ग्राम काली सरसों को डालें। सरसों को हमें लो फ्लेम गैस पे भूनना है, जब तक कि इससे चट-चट की आवाज़ ना आने लगे। थोड़ी देर में ही सरसों पैन में जंप करने लगेंगे, इसका मतलब है सरसों भून के तैयार है। सरसों की क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। अब एक साफ सूखा मिक्सी का जार लें और जार में भुनी हुई सरसों को डाल दें। अभी सेम पैन में 1/2 कप सौंफ को डालकर भून लें। सौंफ को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है। सौंफ का कलर चेंज होने पर गैस का फ्लेम बंद कर दें और भुनी हुई सौंफ को मिक्सी जार में सरसों के साथ ही डाल दें। अभी गैस का फ्लेम ऑफ ही है। गर्म पैन में 2 छोटे चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी डाल दें। ये पैन की गर्मी से ही भुन जाएंगे। 5 मिनट के बाद सरसों और सौंफ के टेम्परेचर कम होने पर इन्हें मिक्सी में दरदरा पीसकर एक बाउल में ले लें। साथ ही इसमें पैन में गर्म होने रखे मेथी, अजवाइन और कलौंजी को भी डाल दें। अब इसमें 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दें। नमक आप स्वाद के अनुसार ले लें। 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर डालें। 2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। सारे मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1/4 कप वाइट विनेगर डाल दें, वही जिसे हम चाइनीज़ में यूज करते हैं। विनेगर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करें। अभी हम मसालों में ऑयल डालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे। आप चाहें तो ऑयल को पहले से गर्म करके रख लें। एक पैन में 100 ml के लगभग सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म करें। जब तेल में धुआं उठने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। 10 मिनट के बाद तेल का टेम्परेचर कम होने पर इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डालकर तेल को नॉर्मल टेम्परेचर होने के लिए साइड रख दें। इधर हमने जो मिर्च के बीज को निकाल के रखा था, इसको एक मिक्सी जार में पल्स मोड में पीस लेंगे।
यानी कि 5 सेकेंड के लिए मिक्सी चलाएं, बंद करें, 5 सेकेंड के लिए फिर चलाएं। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। 2 से 3 बार पल्स मोड में करने पे ये बीज अलग अलग हो जाएंगे। अब इन्हें मिर्च के मसाला में डाल लें। इन बीजों को ना तो हमें धूप में सुखाना है ना ही इन्हें भूनना है। इसे ऐसे ही अचार के मसाला में डाल दें। बीजों को अचार के मसाला में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें गर्म करके ठंडा किए हुए सरसों का तेल डाल दें। शुरू में तेल 50 to 60 ml ही डालें। तेल डालने के बाद इसे अचार के मसाले में अच्छे से मिक्स करें। तेल को अचार के मसाले में हाथों से अच्छे से मिक्स करें तो ये ज़्यादा अच्छे मिक्स होंगे। स्पून से इतने अच्छे मिक्स नहीं होते हैं। तेल को अचार के मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मुट्ठी में बांधें। जब ये मुट्ठी में बन जाए इसका मतलब है कि अचार का मसाला डन है। यदि ये मुट्ठी में ना बंधे, थोड़ा ड्राई हो, तो इसमें 1-2 बड़ा चम्मच तेल डालकर फिर से मिक्स करके फिर मुट्ठी बांधें। जब अचार का मसाला मुट्ठी बनने लगे तो इसका मतलब है कि मसाला तैयार है। ये अचार का मसाला 1/2 किलो मिर्ची के लिए परफेक्ट है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा भी मसाला नहीं बचता है। अभी इस समय मसाले को टेस्ट कर लें। यदि आपको इसमें नमक कम लग रहा हो तो नमक ऐड कर लें। मेरे लिए ये परफेक्ट है। अब हम मिर्च में अचार का मसाला भरेंगे। मिर्च को भी हमने धूप में नहीं रखा है। मिर्च को काट कर इसके बीज को निकाल के साइड में छांव में ही रखा था। एक मिर्च लें। मिर्च में पहले स्पून की सहायता से अचार के मसाले को डाल दें। अब स्पून के पिछले वाले हिस्से से मसाले को मिर्च के अंदर प्रेस करते जाएं, या फिर आप चाहें तो एक उंगली से भी मिर्च के अंदर मसालों को फिल कर सकते हैं। इसको प्रेस कर कर के फिल करें जिससे कि मसाले मिर्च में अंदर तक जाएं। मसालों को मिर्च में अच्छे से दबा दबा के फिल करें ताकि इसमें मसाले ज़्यादा आएं। मसालों को मिर्च के ऊपर बराबर तक भरें और इस तरह से एक मिर्च का अचार भर के तैयार है। इसी तरह से हम एक एक करके बाकी सारे मिर्चों को भी भर लेंगे। अभी मैं आपको एक और मिर्च भर के दिखाती हूँ। मिर्च में अचार भरते समय आपके हाथों में जलन हो सकती है, इसलिए आप चाहें तो ग्लव्स पहन लें या फिर हाथों में पॉलीथीन पहन कर फिर मिर्च में मसाले को भरें। अभी हमने सारी मिर्ची में मसाले भर लिए हैं। आप देख सकते हैं 1/2 किलो मिर्च के लिए हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला अचार में फिल हो गया है। ये भरवा मिर्च का अचार तैयार है। अभी इसे हम 2 से 3 दिन धूप लगाएंगे। 3 दिन धूप लगाने के बाद अब इन अचार वाली मिर्चों को एक साफ सूखे शीशे के बर्तन में डाल दें। अब एक पैन में 200 ml सरसों का तेल लेकर तेल को गर्म करें। तेल में धुआं उठने पर गैस का फ्लेम बंद कर दें। 10 मिनट के बाद तेल का टेम्परेचर कम होने पर इसमें 1/2 छोटी चम्मच हींग डाल दें। तेल जब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तब इसको अचार में डाल दें। अब अचार के मर्तबान का ढक्कन आधा खुला रख कर इसको 10 से 12 दिन धूप लगाएं, या फिर अचार के मर्तबान के ऊपर एक कॉटन कपड़ा बांध दें और फिर इसको 10 से 12 दिन की धूप लगाएं। अचार को धूप जरूर लगाएं, इससे आपके अचार साल भर ख़राब नहीं होंगे। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल कुकिंग विद अमृता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।